मधुबनी जिले के शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिक्षक संघ ने खोली पोल। कहा, बिना चढ़ावा के नहीं होता प्रधानाध्यापकों की पदस्थापना। मधुबनी में शिक्षकों की प्रोन्नति 3 वर्षों से अधर में लटका। बिहार के सभी 38 जिलों में मधुबनी को छोड़कर सभी जगह मिल गई प्रोन्नति का लाभ। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध 5 जनवरी से आंदोलन करने की शिक्षक संघ ने दी चेतावनी। नए साल में 14 और 21 जनवरी को होगा शिक्षक संघ का प्रखंड स्तरीय चुनाव। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला विगत 3 वर्षों से अधर में लटका हुआ है और इधर प्रधान अध्यापक के रूप में पद स्थापना के लिए खरीद फरोख्त का खेल जारी है। बिना चढ़ावा के शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मधुबनी के शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की आज शिक्षक संघ ने पोल खोल दी। मधुबनी में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव एवं सचिव महादेव मिश्र ने शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर विभाग की पोल खोलते हुए कहा कि बिहार के सभी 38 जिलों में से एकमात्र मधुबनी जिले को छोड़कर 37 जिलों में प्रोन्नति का लाभ मिल चुका है। केवल मधुबनी जिले में ये MACP का लाभ विगत 3 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। वहीं मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित पद पर पदस्थापित करने का आदेश 10 सितंबर तक करने का विभागीय आदेश के अनुसार करना था, जिसे 4 महीनों से लटका कर रखा गया है। ठीक उसी प्रकार राघवेंद्र शर्मा के प्रोन्नति हेतु विभाग ने फरवरी माह में पत्र निर्गत कर त्वरित प्रोन्नति देने का आदेश निर्गत किया, परंतु आज तक प्रोन्नति नहीं दी गई। सूबे के 38 जिलों में 37 जिला तीनों प्रकार के प्रोन्नति का पत्र निर्गत कर चुका है, परंतु मधुबनी के पदाधिकारियों ने इसे लटका कर रखा हुआ है। नियोजित शिक्षक DPE की परीक्षा सत्र 2007 से 2009 तथा 2008 से 2010 तक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण तथा NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन निर्धारण एवं पूरक वेतन का लाभ से वंचित है। शिक्षक संघ ने इस पर क्षोभ प्रकट करते हुए कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने पर आगामी 5 जनवरी से आंदोलन शुरू करेंगे। साथ ही बताया कि जिले में 14 एवं 21 जनवरी को शिक्षक संघ का प्रखंड स्तरीय चुनाव कराया जाएगा। मधुबनी से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। 147 को सबको देना है और 5 वर्ष पूरे जाए तो उसे प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित करना है। तीनों को लटका करके रखे हुए हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है जो 38 जिले सूबे में हैं, 37 जिला में निकल गया, मात्र एक मधुबनी जिला है जो यहाँ के पदाधिकारी खरीद पोस्ट में लगे हुए हैं और इसके कारण हमारी समस्या ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। सितंबर माह में एकदम स्नातक वेतन मान और इसको डेट फिक्स कर देना है, लेकिन उसके आदेश को भी अवेल न किया गया और आज तक उसका पोस्टिंग नहीं किया गया है। प्रधानाध्यापक का पोस्टिंग किया गया, उसमें भी नियम का पालन नहीं किया गया। स्नातक को तो लटका करके रखा ही है और सभी लोगों से खरीद फरोख्त के लिए इतना समय लगा रहा है, नहीं हुआ। 5 जनवरी तक यदि नहीं किया जाएगा, हम देंगे लिखित रूप से अभी अल्टीमेटम देंगे, तो इसके बाद हम धरना का आयोजन करेंगे और धरना के बाद भी यदि कुंभकर्णी निद्रा नहीं टूटेगी, हम लोगों को यदि आदेश नहीं प्राप्त होगा, काम नहीं हो सकेगा, तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, जो हम अध्यक्ष और सेक्रेटरी घोषणा करते। हमारे यहाँ भी जितना भी जो है सो हेडमास्टर में भी प्रमोशन हुआ है अभी अभी, उनको भी जो है सो कुछ न कुछ लेकर के यहाँ कुछ न कुछ क्या 30,000-40,000 ऐसा लेकर के तब उनका पदस्थापन हुआ है। और BA वाला तो अभी तक भी हो लंबित किए हुए हैं, तो कितने जितने हेडमास्टर हुए हैं उन सबको जो है लिया गया है। और भी काम होता है बहुत सारा, यहाँ सब काम होता है पैसे से भी, बिना पैसे का तो काम करता नहीं यहाँ। अगर सो होता तो हमारा संघ जो है आज तक किसी काम में पैसा नहीं देता है और इसीलिए हमारा काम जो है लंबित है अभी तक। अधिकारी लोग हैं इसमें संलिप्त जो? हाँ अधिकारी, हाँ तो और क्या, अधिकारी ही संलिप्त है ना, और क्या जो है कौन रहेगा। और जिसको लाभ चाहिए, तो चूंकि हमारे शिक्षकों में जो है सो पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हमारा काम जितना जल्दी हो जाए, तो वो पैसा खर्चा करके अपना काम करवाते हैं। जिसमें पेशेंस है वो जो है सो पिसा रहे हैं इसमें, यही बात।